नमस्कार, मैं आदि अरोड़ा और आपका स्वागत है पायस विजन पे। और आज हमारे साथ बनी हुई है इंडिया के रेनाउंड करियर काउंसलर मिसेस कृति श्रॉफ। नमस्ते, मैं एक करियर काउंसलर हूँ। मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में लगभग 13 से 14 साल से काम कर रही हूँ और करियर काउंसलिंग मैं पिछले 6 साढ़े 6 सालों से कर रही हूँ। इस दौरान मैं 1000 से ऊपर बच्चों की काउंसलिंग कर चुकी होंगी। बहुत अच्छे कृति जी। तो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि करियर होता क्या है। बहुत लोग, पेरेंट्स परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं करियर के लिए, तो ये करियर है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एक स्टूडेंट और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स की लाइफ पे। करियर एक ऑक्यूपेशन होता है हम लोगों की ज़िंदगी में, जो हम अपनी लाइफ में एक काम करते हैं, एक ऑक्यूपेशन है, एक प्रोफेशन है, जिसमें हम एक टाइम स्पेंड करते हैं फॉर मनी जनरेशन, दैट इज़ द करियर। और हमारी सबकी लाइफ में हमारा करियर इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल लगभग अपनी ज़िंदगी के 40 साल ऑन एन एवरेज काम करता है और हर रोज़ 7 से 8 घंटा काम करता है। तो एक अगर हम टोटैलिटी में देखें तो एक बहुत ही लंबा समय है अपनी ज़िंदगी का जो हम एक करियर के ऊपर स्पेंड करते हैं, और इसीलिए हमारा उस करियर में खुश रहना और उस करियर को डीपली अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सही कह रही हैं आप। तो जब एक स्टूडेंट की लाइफ में करियर चूज़ करने का टाइम आता है तो मोस्टली पेरेंट्स का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है इस पे। तो पेरेंट्स का जो डिसीजन होता है उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है उस टाइम? एक काफ़ी अच्छा सवाल है। मेरे एक्सपीरियंस में मैं जब बहुत से पेरेंट्स से मिली हूँ और यूजुअली ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक डिफ़िकल्ट फेज़ होता है पेरेंट्स की लाइफ में, जिस टाइम वो अपने बच्चों के करियर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं एक बहुत बड़े डिसीजन के लिए। पर इसमें 3 चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं पेरेंट्स के सामने हमेशा होती हैं। पहला कि हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे का भविष्य सबसे अच्छा बने। दूसरी चीज़, हर पेरेंट को लगता है कि जो रास्ते मुझे पता हैं, जो चीज़ें मेरे आसपास के लोग कर रहे हैं, जो करियर्स में मेरी जानकारी है, वो करियर्स अगर मेरा बच्चा भी फॉलो करेगा तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा, ज़्यादा अच्छा करेगा। और तीसरा जो मेरा मानना है वो ये है कि हर पेरेंट को लगता है कि मैं अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता हूँ और इसीलिए शायद जो मैं फ़ैसला अपने बच्चे के लिए लूँगा वो सबसे सही फ़ैसला होगा। और बच्चे क्योंकि अभी छोटे हैं, इस उम्र में वो अपनी लाइफ का इतना बड़ा फ़ैसला खुद नहीं कर सकते। ये तीनों बातें काफ़ी हद तक सच हैं, लेकिन कभी कभी इन बातों में हमारे पास लिमिटेशंस भी होती हैं। जैसे कि मैं पहला पॉइंट जो बोलती हूँ जिसमें हम बोलते हैं कि पेरेंट हमेशा अच्छा चाहता है अपने बच्चे का, बिल्कुल सही बात है, हर पेरेंट यही चाहता है, लेकिन इस चाहने में कहीं कहीं हमारे अपने बायसेस और अपने लिमिटेशंस सामने आते हैं। बायसेस जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट में कहा कि मेरे को एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही भी है, मैं खाली कुछ पर्टिकुलर करियर्स के बारे में ही जानती हूँ जिसमें मेरे रिश्तेदारों के बच्चे, मेरे फ्रेंड सर्कल के बच्चे गए हुए हैं और मुझे उनसे ज़्यादा करियर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो मैं अपने बच्चे को बाकी जो करियर्स दुनिया में बच्चे कर रहे हैं उनके बारे में कैसे गाइड कर सकती हूँ एज अ पेरेंट? लिमिटेशंस होती हैं जब हम अपनी सोच के दायरे को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाते और उन करियर्स के बारे में नहीं सोच पाते जो आगे आने वाली दुनिया में ज़रूरत हो सकती है पर शायद आज हमें नहीं पता चल रहे। तीसरी चीज़ जो मैंने कही कि पेरेंट को कभी कभी लगता है कि मैं अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा जानता हूँ और इतनी कम उम्र में बच्चा अपने लिए ये डिसीज़न नहीं ले सकता, जो मैं डिसीज़न लूँगा वो ज़्यादा बेटर होगा, ये बात बिल्कुल सही है। पेरेंट्स के पास एक तजुर्बा होता है, एक उम्र होती है, लेकिन कभी कभी हम बच्चों की कुछ बारीक चीज़ों को मिस आउट कर जाते हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं। कुछ छोटी चीज़ें जैसे कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, आज मेरा बच्चा अगर एक इंट्रोवर्ट है और मेरे रिश्तेदार का बच्चा या मेरे ताऊजी का बच्चा एक एक्स्ट्रोवर्ट है, ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों सेम करियर्स फॉलो कर सके, बिल्कुल भी दोनों सेम करियर्स में नहीं जा सकते। एक बच्चा होगा जो शायद लॉजिकल एबिलिटी में बहुत अच्छा हो
पर दूसरा बच्चा हो जो शायद ओरेटरी स्किल्स में बहुत अच्छा हो, तो वो दोनों बच्चे सेम करियर में बराबर रूप से अच्छा कर पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है कहना. बिल्कुल. तो इन इन थॉट प्रोसेसेस के चलते हुए पेरेंट्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम किसको सुने, किसको देखें. रिश्तेदार कभी कभी कुछ कह रहे होते हैं, फ्रेंड सर्कल कुछ कह रहा होता है, सारी जानकारी इंटरनेट पे भी नहीं मिल रही होती है. तो गूगल पे भी अगर आप साइट स्क्रॉल करें तो अलग अलग साइट्स, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग करियर्स के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रही होती है. तो इस सब में पेरेंट्स के सामने एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. और रिश्तेदारों का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ता है पेरेंट्स के ऊपर. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि देखिए, आज एक हम एक समाज में रहते हैं और हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो हमारी रिश्तेदारी में सबसे अच्छा कर रहा हो. तो हमारे रिश्तेदारों के बच्चे कैसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हर पेरेंट के अंदर ये एक साइकोलॉजिकल पीयर प्रेशर होता है, एक सेंस ऑफ कंपटीशन बढ़ जाता है अमंग पेरेंट्स. बिल्कुल बिल्कुल. तो इस सब थॉट प्रोसेस के साथ पेरेंट्स एंड इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक्स करते हैं अपना करियर चूज करने के टाइम पे? सबसे बड़ी मिस्टेक जो पेरेंट्स या कोई भी स्टूडेंट करियर चूज करने के टाइम पे करता है वो होता है लुकिंग आउटसाइड. जैसे मैंने बोला कि पीयर प्रेशर में आ जाना, कि हम हमेशा बाहर की दुनिया में देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उसने ये करियर किया तो वो उसको आज 40 लाख रुपए की सैलरी मिली है, या मेरे फ्रेंड ने एक ऐसा करियर लिया वो 3 साल में ही बड़ा फेमस हो गया. हम कभी भी ये नहीं देख रहे होते कि हमारी अपनी क्षमताएँ किस चीज़ों में हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं. अगर एक इंसान ने करियर अच्छा चूज़ किया और उसमें वो सक्सेसफुल रहा, ज़रूरी नहीं है कि मैं भी उस करियर में जाकर सक्सेसफुल रहूं. मैं हमेशा पेरेंट्स को और बच्चों को यही सलाह देती हूं कि कोई भी करियर सक्सेसफुल नहीं होता, लोग सक्सेसफुल होते हैं. अगर आप आज एक स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, एक ही क्लास में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो स्कूल आपके शहर का सबसे अच्छा स्कूल है, पर वो 60 बच्चों के क्या 100% मार्क्स आते हैं? नहीं आते. हर बच्चा फ़र्क होता है, किसी के 99 आते हैं और किसी के 60 भी आते हैं. तो जब एक ही तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सेम टीचर पढ़ा रहा है, तो फिर डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हर बच्चे की क्षमता फ़र्क है. स्पोर्ट्स डे में कोई बच्चा फर्स्ट आता है और कोई बच्चा लास्ट भी आता है, क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है उसकी भागने में क्षमता है. तो इन चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी करियर प्लानिंग के बारे में सोचें तो हम हमेशा अपने अंदर देखें, अपनी क्षमताओं पे, अपने गुणों पे काम करें, बजाय कि दूसरे की क्षमताओं को देखने, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है. ओके. तो करियर चूज़ करने के टाइम पे एक करियर कोच या फिर एक करियर काउंसलर का क्या रोल होता है, मतलब क्या इम्पैक्ट होता है उनकी प्रेजेंस का, अगर करियर काउंसलर प्रेजेंट होगा? सो एक करियर काउंसलर का सबसे बड़ा रोल इसमें होता है आपको आपसे मिलवाने में. जिन चीज़ों को आपने नज़रअंदाज किया होता है, जिन पहलुओं को देखकर आपको लगता है कि हाँ ये है, मैं जानता हूँ मैं ये अच्छा करता हूँ, पर क्या इससे करियर भी बनाया जा सकता है, उन चीज़ों से आपको रूबरू कराने का जो रोल होता है वो करियर काउंसलर का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है. जहाँ हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चा अगर इंट्रोवर्ट है तो किस तरीके के करियर्स में जा सकता है, अगर बच्चा एक्सट्रोवर्ट है तो किस तरीके के करियर्स में जा सकता है, अगर बच्चा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है तो वो किस तरीके के करियर्स में जा सकता है, अगर बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो वो किस तरीके के करियर्स में जा सकता है. तो हर बच्चे की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, अपने इंटरेस्ट होते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं. तो उनको समझ के उसको एक चैनल देना, उसको एक डायरेक्शन देना, वो एक करियर काउंसलर का रोल होता है. साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी करियर काउंसलर हो उसको इंडस्ट्री के नए ट्रेंड्स की इंफॉर्मेशन हो कि किस तरीके के करियर्स की आज की तारीख में इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, जॉब क्रिएशन है. क्योंकि आज जब बच्चा पढ़ाई करने की सोच रहा है तो वो अगले 5 से 7 साल उस करियर में पढ़ाई करेगा, वो आज की तारीख में जॉब मार्केट में नहीं जाएगा, वो 5 से 7 साल बाद उस जॉब मार्केट में जाएगा. तो वो जो भी करियर सिलेक्ट कर रहा है वो करियर ऐसा होना चाहिए जिसकी डिमांड आज से 5 साल बाद या 7 साल बाद भी मार्केट में हो. तो करियर काउंसलर आपको ये गाइड कर सकता है कि आगे लुकिंग फॉरवर्ड ट्रेंड्स क्या है मार्केट में, किस तरीके के ऑक्यूपेशंस
अभी भी बने रहेंगे, और इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बहुत से करियर्स के रूप को, पहलू को बदल दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कौन से करियर्स आगे बने रहेंगे और कुछ कौन से करियर्स हैं जिनकी डिमांड शायद आज हमें दिखाई दे रही है लेकिन आगे चल के नहीं होगी। तो एज अ करियर काउंसलर आपके पास भी कहीं तरह के पेरेंट्स आते होंगे, तो आपके लिए क्या चैलेंजेस आते हैं, किस टाइप के पेरेंट्स आपको अप्रोच करते हैं जिनको आप संभालने में मतलब थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है? देखिए, सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी इसमें होता है अगर हम एज अ पेरेंट एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ एक काउंसलर के पास जाते हैं। हमने नॉर्मली ऐसा बहुत कॉमनली देखा है कि एक इंजीनियर अगर पेरेंट फैमिली है, जिनके फैमिली में ज़्यादातर इंजीनियर्स हैं, तो वो बच्चे को इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं। अगर एक मेडिसिन बैकग्राउंड से फैमिली आती है तो उनका ये रुझान होता है कि बच्चा डॉक्टरी की तरफ ही आगे जाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट फैमिली होती है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं, सिमिलरली। पर जब आप एक काउंसलर के पास जाएं तो आपको एक ओपन माइंडसेट के साथ जाना बहुत ज़रूरी है कि आप ये सोच के जाएं कि मैं अपने बच्चे को समझने के लिए जा रहा हूँ और ना कि मैं वो काउंसलर से वो सुनने जा रहा हूँ जो मेरे दिमाग में है। बहुत से पेरेंट्स हमें आने से पहले ही फ़ोन कर देते हैं कि मैम हम आपके पास आ रहे हैं पर आप प्लीज़ हमारे बच्चे को इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाने के लिए ही मोटिवेट करिएगा क्योंकि बच्चा हमारी तो नहीं सुन रहा, आपकी सुन लेगा। बट एज अ काउंसलर हमारा उनको एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट देना बहुत ज़रूरी होता है। हम ना तो पेरेंट के प्रेशर में और ना ही बच्चे के प्रेशर में आके एक बायस्ड ओपिनियन दे सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एज अ काउंसलर हम उस बच्चे के भविष्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें एक ये बैलेंस बनाना पड़ता है बच्चे के मन के बीच में और पेरेंट के मन के बीच में कि ना हम बच्चे की तरफ ज़्यादा झुकें और ना ही पेरेंट की तरफ, पर जो बच्चे के हित में सही है वो ओपिनियन दोनों पेरेंट्स और बच्चे को दें। बिल्कुल सही बात। तो इससे पहले मैं इस सेशन को एंड करूं, मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ एडवाइस अपनी तरफ से देना चाहें करियर से रिलेटेड, तो प्लीज़। सो मेरी एक ही एडवाइस होगी कि कभी भी करियर चॉइस करते वक्त खाली आपका फ्रेंड सर्कल क्या कर रहा है और आपकी रिश्तेदारी में कौन से करियर्स चूज़ हो रहे हैं इसकी तरफ ध्यान ना दें। ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। जो आमिर खान की मूवी है 3 इडियट्स, वो एक क्लासिक एग्जांपल है और वो शायद हर बच्चे को और हर पेरेंट को समझनी चाहिए कि अगर आप एक पर्टिकुलर करियर के लिए बने हैं और आपकी क्षमताएं उस करियर के लिए सूटेबल हैं तो सफलता हर हालत में आपके कदम छुएगी, आपको कोई नहीं रोक सकता उस करियर में आगे बढ़ने से। और आज का ज़माना बहुत ही कॉम्पिटिटिव ज़माना है, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसकी पॉपुलेशन 130 बिलियन ऑलरेडी है। सो हम को अगर सक्सेसफुल बनना है तो हमें डेफिनेटली अपने क्षमताओं पे, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे काम करके ही बनना होगा। हम अपने वीक एरियाज़ पे काम करके सक्सेसफुल नहीं बन सकते। थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अगर आपको भी ये सेशन पसंद आया हो और आपको भी मैम से कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन सेशन लेना हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दी होंगी। तब तक के लिए थैंक यू।